जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा नवी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा नवी के लिए क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, जो एक वायरल पेपर है। स्टूडेंट्स, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊँगा, तो जल्दी से सभी दोस्त उठ जाइए और अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लाइए। जल्दी से उठकर जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपको सर्वोच्च अंक दिलाएंगे। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन दोस्त हमारे लाइव क्लास में आ चुके हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और ये भी बताइएगा आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, जल्दी से लिख दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। ये रहा क्वेश्चन पेपर, आंसर सहित ऑल सॉल्यूशन। छायावाद के जनक माने जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ब्रिटिश राज्य का गहना है हथकड़ियाँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं बता दीजिए मुझे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। मृत्यु का तरल दूत कौन था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तेज गति से आता बाढ़ का पानी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर हम देखेंगे, तो आइए मिला लीजिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा रति। कामायनी एक है महाकाव्य, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं, नाम कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न, हम साथी पे हलना जुतबाया करते, हम पे बेल है, हम हाथी पे बेल ना जुतबाया करते, हम पे बेल है। चलिए, जोड़ी देख लीजिए, जोड़ी मिला लीजिएगा। अगर पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया तो यूँ मान के चलिएगा आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लहक लह लह पालक मह मह धनिया, 24 मात्राओं का छंद, तो ये होता है आपका दोहा छंद। डांडे ये हो जाएगा आपका तिब्बत, जूरी का साला गया, मात्र ही भर निपा शब्द, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। अब असत्य फत्य में आप मिलाएंगे, गोपी कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला वाला असत्य, क्योंकि वो तैयार थी। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव नहीं कहलाते हैं, तो ये भी आपका फत्य हो जाएगा, लिखा है यहाँ पर असत्य, ये आंसर सही है। हीरा और मोती गया के बेल थे, नहीं थे, जूरी के थे ना, गया तो उनका साला था, नहीं थे, असत्य, तो असत्य लिखा है। सूर्य का तत्सम चंद्रमा होगा, असत्य नहीं होगा। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी
लीक पर ही चलती थी, असत्य हो जाएगा। रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बिठा लिया था, ये भी हो जाएगा आपका सत्य। आगे देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर देना है, क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त पेपर है आपका, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका छप जाएगा, बस इन्हीं क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, आपके लिए अभी तो एक से एक क्वेश्चन पेपरों का पिटारा है, वो खुलना बाकी है, बस आप इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ब्रिटिश राज का गहना क्या है? हथकड़ियाँ। बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? जाकिर हुसैन। पंचामृत में कौन सा समास है? द्विगु। ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? अधिक दिखावा करना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तरों की, कौन सा प्रश्न आपको पढ़ना है और कौन से उत्तरों को आपको पढ़ना है। हमारा एक शब्द में एक क्वेश्चन और है, हम आपके पाठ्यपुस्तक में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है इस जल प्रलय में, ये इन्होंने रचना लिखी है, कृतिका का क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम आगे उन क्वेश्चनों की ओर जो आपको 75 मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव 30 नंबर के करे हैं, अब आपके आ चुके हैं दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। अगर आपने इन क्वेश्चनों को लगाया तो यूँ मान के चलिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बन जाएगा। तो अभी इस समय रहते इन क्वेश्चनों को पढ़ डालिए और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया लाइव क्लास को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन भी यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर निबंध भी आप देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आएंगे अन्य सब्जेक्ट पर, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।